जमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के खिलाफ दो मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। जहांगीर तरीन और अहले खाना पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मजीद जानेंगे आज यूज़ के नुमाइंदे अतीक मलिक से। अतीक बताइएगा। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन और उनके खानदान के खिलाफ जो है वो FIA ने एक मजीद मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। ये मुकदमा जो है 22 तारीख को दर्ज किया गया था और मुकदमे में जो है वो 3 अरब रुपए का इल्जाम जो है वो साबित हुआ है। मुकदमे में साबिक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ताना नसीम जो है वो भी शामिल किए गए हैं और नसीम ही FIA की जानिब से बताया गया है कि असल में शुगर मिल मुआवजे की जवाब सरपरस्ती करते हैं। और दूसरे मुकदमे में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन और 2 बेटों के नाम जो है वो भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि FIA की जानिब से ये कहा गया है कि मुकदमे के बाद जो है वो तहकीकात की जा रही है, जल्द जो है वो इन हवाले से मजीद सबूत जो है वो। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। तफसीलात देते हैं अतीक मलिक, आपका बेहद शुक्रिया।